किसानों पर चला सौंफ का जादू। जी हाँ, अब की बार सौंफ की खेती का क्रेज किसान भाइयों में बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भाव और पैदावार दोनों ही अच्छे होना। जिन भी किसान भाइयों ने अब की बार सौंफ की खेती की है, लगभग सभी का ये कहना है कि औसतन पैदावार करीब 6 से 7 क्विंटल प्रति बीघा तक है। किसानों की माने तो उनको अब की बार करीब 1 बीघे से 60 से 70 हजार रुपए तक की पैदावार होने की उम्मीद है, जो कि आपकी सरसों, गेहूं, चना, जो इत्यादि यानी लगभग सभी से ज्यादा है। तो आइए किसान भाई से ही जानेंगे कब इसकी बिजाई की गई, क्या कुछ खाद पानी दिया है और कोई स्प्रे वगैरह की, यानी टोटल कितना खर्चा आ गया और कितनी पैदावार हो जाएगी। लो महेंद्र जी, थे पूछो दो सवाल, गर्म फोन आने लग रहे जरूरी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार, गांव कुटी है, सिंधौर। तो ये जो सौंफ की बिजाई की आपने, इसके अंदर आपने कितना बीज डाला और कब बिजाई की? बिजाई करीब लगभग 10 से 11 नवंबर ने बिजाई करी और बीज डालियो में 600 ग्राम। यार पानी पूरी कितना लगाया? पानी दिखा दिया 4। यार सपरे सपरे? सपरे में 2 स्प्रे करे, एक तो फंगी साइड आ रही, एक तेरिया 2 स्प्रे करी। ये देख सकते हैं किसान साथियों, 4 कनाल के अंदर जो 1 बीघा है हमारे राजस्थान के अंदर, वो 5 कनाल का होता है और 5 कनाल के अंदर एक हरे हरे चारे की जो है क्यारी है वो बना रखी है और 4 कनाल के अंदर इसको भेजा गया सौंफ को और इसकी कढ़ाई है वो अभी स्टार्ट है। तो यहाँ मान लो भाव भूखी तो गया अंदाजन भाव तक तो कोई यहाँ फिक्स भाव को नहीं, आपने और मैं बोला तो मंडी है तो नहीं मानगट में ऐसा ही थे पर लेके जहाँ पहली बार बीजिया भाव अंदाजा हुई है 15-20 हजार रुपये भाव दे दी हुआ है। सरसों फायदा में गए सरसों कणक में फायदा मां गए नवंबर में बिजाई करी और अब निकाल ला रहे हैं, इनमें पानी खर्चा भी तो कम है। हाँ। 3 पानी देश का आवा तो सरसों बराबर की सोचिए थी सरसों में 4-5 क्विंटल रहती तो पौधे मतलब भाव को फर्क है, भाव को फर्क है, भाव बढ़िया है, भाव का अंदाजा मेहनत कम है, इतनी मेहनत भाव अंदाजा नहीं है मानी जाएगा 14-15 हजार रुपये हूँ लेकर 20 हजार रुपये दी है। 20 हजार रुपये सोनी सू हरी सू बोड़ी है तो 20 हजार रुपया भाव है। पहले जो हमने आपको एक जो सौंप की वीडियो दिखाई थी उसकी आज कढ़ाई हो रही है और उसके जो जमींदार है वो भी हमारे साथ आ चुके हैं कि कितना खर्चा है इसमें टोटल और क्या कुछ लागत हुई है और कितनी आमदनी हो सकती है।